next time. फाइनली दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंदमुरी बालकृष्ण की नई फिल्म सिम्मा रेड्डी के बारे में और जानेंगे इस फिल्म इस मूवी से जुड़ी हर एक बात के बारे में। और सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि इस फिल्म को गोपीचंद मालिनी निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको एक्शन और ड्रामा का भरपूर आनंद मिलेगा। यह फिल्म आपको तेलुगु भाषा में देखने को मिलेगी और मेकर्स द्वारा इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई थी, क्योंकि इस फिल्म ने अपनी शूटिंग आज से 6 महीने पहले ही पूरी कर ली थी। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते ही है, यह फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री के महान अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण की है। 2023 की उनकी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। फिल्म के नाम में ही एक अलग सी बात लग रही है और वही अभिनेता की 2021 में अखंड फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और उनकी आने वाली नई फिल्म में उनके अंदाज को देखकर हर एक उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उनका लुंगी वाला लुक और आँखों पर ब्लैक चश्मा उनके किरदार में चार चांद लगा रहा है। दुनिया उनको उनके देसी लुक के लिए ही जानती है। उनका यह अंदाज आजकल बॉलीवुड की फिल्मों को भी मात दे रहा है। पिछले 2 सालों में तो साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड की फिल्में चलनी ही बंद कर दी है। उनके साथ इस फिल्म में श्रुति हसन हीरोइन का किरदार निभाने वाली है। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट आपको काम करते हुए नजर आएंगे? अगर बात करें इस फिल्म के लीड रोल की तो आपको नंदमुरी बालकृष्ण, श्रुति हसन, वीरा लक्ष्मी, शरद कुमार, यह कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, 12 जनवरी 2023 को यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।